some reason she sherbeti ओह वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं आपको बता रही हूँ हेयर केयर के बारे में। इसमें मैं आपको होममेड ऑयल के बारे में बताऊंगी। चलो आज हम बनाते हैं ऑनियन ऑयल, और जल्दी भी बन जाएगा और आपके बालों के लिए ये हेयर केयर भी होगा। आपके बाल लंबे भी हो गए, स्वस्थ भी हो गए, जल्दी सफेद भी नहीं हो गए और बहुत घने भी हो जाएंगे। भले ही आपके बाल छोटे हैं पर स्वस्थ होना उनके लिए बहुत जरूरी है। तो गाइस मैं आपको प्याज के बारे में एक और बात बता देती हूँ। प्याज के अंदर होता है सल्फर, जिससे हमारी आंखों में आंसू आता है। तो गाइस ये सल्फर हमारे हेयर रूट को रीजेनरेट करता है और स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। तो गाइस चलिए अब हम बनाते हैं अनियन हेयर ऑयल। तो गाइस यहाँ पे हमने अनियन ले ली है, बट वो पक्का और सख्त होना चाहिए। तो इसे बाहर से छील लीजिए और मोटा मोटा चॉप करिए। देखिए हमने इसकी इस तरीके से पीसेस किए हैं। अब हमें इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते हुए हमें इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना है। यहाँ पे मम्मा ग्राइंड करने के लिए 3 स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रहे हैं। चलिए अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से बारीक हो चुका है। यहाँ पे हमने लिया है मेथी दाना और कलौंजी, इन्हें भी हमने मस्टर्ड ऑयल में ऐड करना है। ये रहा ग्राइंड किया हुआ अनियन, अब इसे भी हम ऐड कर देते हैं। जब तक प्याज पक नहीं जाता है तब तक हम इसे तेल में पकाएंगे। याद रखिए प्याज को जलाना नहीं है, इसको पकने तक हमें भूनते रहना है। देखिए प्याज पक चुका है, अब ये रेडी है। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे ठंडा होने के लिए। इसको हमने कपड़े से बांध लिया है ताकि जो वेस्ट ऊपर है और ऑयल नीचे रहे। तो ये देखिए हमारा अनियन हेयर ऑयल बनके तैयार हो चुका है। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरी वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर हम इसे किसी बॉटल में डाल देंगे। देखिए अब हम इसे इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए गाइस हमारा होममेड ऑयल तैयार हो चुका है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।